बताइए आपने क्या कहा? हमने उनको कहा कि इब्तिदा से जो बात हम कहते आ रहे हैं कि ये जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ 2019 में, ये हमारी नजर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इस केस को लेके, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कमीशन को रुकना चाहिए था ताकि ये जो है उसके बाद जो आउटकम होगा उसका, उसके बाद इनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, लेकिन वो कहने के बावजूद हमने इनको कहा कि यहाँ रियासत में जो है इंस्टीट्यूशंस पे बेएतबारियत है, हमको एतबार नहीं रहा है, तो कमीशन को किसी भी सूरत में अगर भी कोई भी ऐसी जो एक्सरसाइज करनी है वो इतनी शफाफ तरीके से होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि रियासत के लोग दोबारा जो है धोखा ना खाएं।